शामली आरटीओ की गाड़ी में जीपीएस लगाने के मामले में पुलिस ने आरटीओ कार्यालय के 3 कर्मचारियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला शहर के बीच में से ओवरलोडिंग वाहनों को निकाले जाने को लेकर अवैध वसूली का निकलकर सामने आया है। पुलिस इस मामले में कई अन्य लोगों की तलाश करने में जुटी है। विगत 3 अगस्त को आरटीओ रोहित राजपूत की सरकारी गाड़ी में किसी अज्ञात युवकों द्वारा जीपीएस लगाए जाने का मामला सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सामने आया था। सरकारी गाड़ी होने के साथ साथ जिले में परिवहन विभाग के आरटीओ की गाड़ी में जीपीएस लगाने का मामला सुर्खियों में बन गया था। शिकायत करने के साथ ही पुलिस इस मामले के खुलासे में लगी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच करने के उपरांत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 लोग बाबूराम निवासी मोहल्ला दयानंद नगर, शमीम निवासी आजाद चौक, सुधीर निवासी ग्राम मालेंडी सहित 2 अन्य लोगों आजम सुफियान निवासी ग्राम मल्लीपुर थाना कांधला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पकड़े गए आजम ने बताया कि वह ओवरलोडिंग गाड़ियों को निकालने के लिए एंट्री लेता था। गाड़ी मालिक सुफियान व उसके ड्राइवर मुसारिक द्वारा आरटीओ की गाड़ी में जीपीएस लगाया गया है। आरटीओ कार्यालय में पकड़े गए कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा ओवरलोडिंग गाड़ियों को शहर से पास कराए जाने के नाम पर अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं और कोड वर्ड बताने वाली गाड़ियों को पैसा देने के बाद छोड़ दिया जाता था। सुफियान व आजम द्वारा भी अपने ग्रुप की गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए कम रुपए लेकर एंट्री कराई जाती थी। दोनों ग्रुप अलग अलग मिलकर अवैध वसूली करते थे। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को बरामद कर लिया है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।